चौपाल देखने वाला सबला दर्शकाने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आपा चर्चा कर रहे हैं सामाजिक विकास और महिलावा। अगर लुगाई कुछ भी ठान ले तो वो हर काम कर सके है। अगर महिलावा की क्षमता ने आपा नजरअंदाज करा तो आपा एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना से दूर हो जावा। आपा समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पावा, क्योंकि अगर देखे जावे है परिवार ने जो संभाल कर रखे है अच्छी प्रबंधक है वो है महिला। यानी परिवार में सही भूमिका महिला की होवे है तो परिवार से मिलकर ही समाज बने, बिया ही समाज में भी महिलावा की भूमिका सशक्त होनी चाहिए। महिला अगर आत्मविश्वासी है, आत्मनिर्भर है, सशक्त है, समर्थ है अपना काम करबा में, तो अपना परिवार के साथ साथ समाज ने भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके है। तो भाई महिला को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, महिला को स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है और परिवार को ई में सहयोग जरूरी है। अगर आप सामाजिक विकास की बात कर रहा तो सीधो सीधो कहो जावे है कि अपने देश में अगर देखो जाए तो आधी आबादी महिला है, तो पुरुषा के साथ महिलावा ने भी समानता को अधिकार मिलना चाहिए, आगे बढ़बा को अवसर मिलना चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ समाज और एक विकसित समाज की परिकल्पना में सही उतर पावेगा। और ई विषय पर चर्चा करबा के लिए मैं आमंत्रित किया है वर्षा गहलोत जी ने, जो कि स्टेट रिसोर्स ट्रेनर है राजीविका माए। वर्षा जी था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। धन्यवाद वर्षा जी। जिया की आज आप बात कर रहे हैं सामाजिक विकास और महिलावा की जी। तो महिलावा की भूमिका तो आपने सबने पतो ही है, था की नजर में सामाजिक विकास ने आप किया समझ सका, किया परिभाषित कर सका? देखो जैसे कि सामाजिक विकास की शुरुआत होती है एक अच्छी शिक्षा से। किसी भी गाँव या शहर में जो भी बालक या बालिकाएं होते हैं तो अगर उनकी जो मेन धुरी होती है शिक्षा पे टिकी होती है तो उनको पहले शिक्षा पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए और उस शिक्षा के लिए उनके गांव में और शहरों में पास में ही विद्यालय होने चाहिए और उनको वहां तक लाने ले जाने का जो पूरा प्रबंधन है वो अच्छे से होना चाहिए और परिवार भी उनको शिक्षा से जोड़ने में जागरूक होना चाहिए। बच्चे अगर शिक्षित हैं तो परिवार और गाँव आके शिक्षित होगा, वैसे ही महिला और पुरुष दोनों को रोजगार का भी पूरा अवसर प्राप्त होना चाहिए। अगर रोजगार गाँव में नहीं मिलते तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो बाहर पलायन कर जाती है जिससे गांव का विकास रुक जाता है और जहाँ गांव का विकास रुकेगा वहाँ समाज का विकास और देश का विकास अपने आप रुक जाता है। तो पूरा कोशिश यही रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार गांवों में उपलब्ध हो जिससे लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े। तो उसी से क्या होता है कि गाँव का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो जो छोटी मोटी सारी सुविधाएँ हैं वो एक गाँव में और समाज में पूर्ण रूप से लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। और जहाँ तक समाज का विकास का है तो वहाँ पर महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग के बिना महिलाओं का और एक महिला के सहयोग के बिना समाज का विकास शायद अधूरा सा है। तो दोनों एक दूसरे की जुड़ी हुई एक कड़ी है और उनको एक दूसरे का पूरक बनकर ही इस विकास में अपना योगदान देना पड़ेगा, तो उससे गाँव का, समाज का और देश का विकास अच्छे से आगे बढ़ सकता है। वर्षा जी बिल्कुल सही बात कही कि अगर सारी मूलभूत सुविधाएं अपना गांव में मिले तो लोग अपना गांव ने छोड़कर पलायन नहीं करेगा और अगर लोग पलायन नहीं करेगा तो बैठे ही कोई ना कोई रोजगार करेगा, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या अपना खुद का कोई लघु हो या कुटीर उद्योग से संबंधित हो। जब खुद रोजगार करेगा तो और लोगों ने भी रोजगार देगा तो आपने समाज की स्थिति तो वैसे ही सुधर जाएगी, आपके गाँव की स्थिति सुधरेगी। या बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा जो है वो आधारभूत होनी चाहिए, हर व्यक्ति ने शिक्षित होना चाहिए। जैसे कि आप महिलावा की बात कर रहे हैं तो कहीं आपने कहीं लगे हैं कि जो आपना समाज में बहुत सारी ऐसी परेशानी है, जैसे कि आप घरेलू हिंसा की अगर बात करा तो एक महिला अगर शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है तो कहीं आप घरेलू हिंसा जैसी परेशानी ने रोक सका जो सामाजिक विकास में बहुत बड़ी अड़चन है? जी बिल्कुल, अभी आप देखने जाओ तो गाँव में जो हिंसा है अभी महिलाएं हिंसा को ही नहीं समझ पाती है, उनके साथ जो छोटी मोटी हिंसाएं जैसे मारपीट हुआ, उनको कुछ गलत शब्द करके संबोधित करना या उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, तो ये सब क्या है, हिंसा का ही एक प्रकार है। लेकिन महिलाएं अभी उसको जान नहीं पाती है, समझ नहीं रही है कि मेरे ऊपर ये इस तरह की कोई हिंसा की जा रही है। महिला उसको ऐसा समझती है कि ये मैं महिला हूँ और मुझे इसको सहना है, ये मेरी किस्मत में लिखा है, ये मेरा फर्ज है, ऐसा ही उनको
बचपन से ही उनको उनके दिमाग दिमाग में डाल दिया जाता है। तो जो हिंसा रात दिन उनके साथ होती है परिवार में, उसको भी वो नकार देती है कि ये कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरा मानना है कि सबसे बड़ा उसको हटाने के लिए बालिकाओं को शिक्षित करना जरूरी है। जहाँ बालिकाएं शिक्षित होगी तो उनको अपना सही और गलत का फर्क महसूस होने लग जाएगा। वो शिक्षित होगी तो बहुत सी बुराइयों पर रोक लगेगी, जैसे कि बाल विवाह। कम उम्र में ही शिक्षा को रोककर उनको बाल विवाह करवा दिया जाता है, और बाल विवाह के बाद उनको जब ससुराल में या ऐसे ही उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी जब पड़ जाती है तो उनको सहने की उनमें सक्षमता नहीं हो पाती है, तब उन पर धीरे 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 हिंसाएं शुरू होती है। एक तो उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आप देखने जाएं तो हर तरह से उन पर जो हिंसा उनका दबाव डाला जाता है, उनको शिकार होना पड़ता है, तो वो समझ नहीं पाती। जब एक महिला शिक्षित होगी तो उसको अपने हक और अधिकार के बारे में पता होगा कि मेरा हक कहाँ है, मेरा अधिकार कहाँ है। जैसे अभी हम देखने जा रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, फिर भी महिलाएं उसका अपना पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं ले पा रही है, उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। बहुत से क्षेत्रों में मैं अभी गाँव में जाती हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि महिलाएँ सरपंच के पद पर मतलब है, लेकिन वो सारा कार्य कौन करता है, एक पुरुष उनके पति के रूप में। तो उसको पता है कि मैं सरपंच हूँ केवल एक नाम के लिए, लेकिन उसका वो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रही है, समाज के सामने बैठ नहीं पा रही है, उसको यही नहीं पता है कि मेरा पावर क्या है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से मेरी नज़र में हिंसा ही है कि वो अपने पास अपनी काबिलियत होते हुए भी उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रही है। तो ये कहाँ हो जाता है, जहाँ उसकी शिक्षा की कमी होती है। तो उसको शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित होगी तो ही वो आगे आने वाली हिंसाओं पर रोक लगा पाएगी, अपने हक अधिकारों को जानकर वो उस पर रोक लगा सकती है अच्छे से। जी, तो महिला अगर शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो भी ने अपना सही और गलत के बारे में समझ हो जाए। बिया ही अगर बी के साथ कोई अत्याचार हो रहे हो, चाहे वो घरेलू रूप से अत्याचार हो, शारीरिक रूप से हो रहे हो, मानसिक रूप से हो रहे हो या आर्थिक रूप से हो रहे हो, तो महिला ने समझ आ जाए कि भाई मैंने मानसिक प्रताड़ित क्यों जा रहे हो, ताना दिया जा रहा है, तो मैंने कठोर शिकायत करनी है। जी, क्योंकि जब वो शिक्षित है, घर से बाहर निकल रही है, तो दो लोग से मिलेगी तो भी ने जानकारी होगी। तो इसके लिए भी अभी राजीविका में क्या है, एक जेंडर प्रोजेक्ट लाया गया है। इस जेंडर प्रोजेक्ट के द्वारा प्रत्येक गांव में जो वीओ लेवल एक होता है, वहां पर वीओ जेंडर फोरम का गठन किया जा रहा है। तो उसमें एक समिति बनाई जाती है, सामाजिक समिति, जिसमें 3 सदस्य होते हैं और 2 GPP होती है और 3 सामाजिक कमेटी के सदस्य होते हैं। और फिर उसी गांव से संबंधित जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी स्कूल हो गया, सुरक्षा सखी हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड पंच, नरेगा मेट, NM हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, उन सभी को लेकर एक जेंडर फोरम का गठन किया जाता है। जी, उससे क्या होता है कि महिलाओं की जो समस्या है, परेशानियाँ हैं, तो महिलाओं को ये पता नहीं है कि मुझे ये अपनी समस्या रखनी कहाँ है, ये सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने रहती है। इस जेंडर फोरम का गठन किए जाने के बाद वो क्या होता है, सारा विभाग वहाँ पे उपस्थित है, तो उस मीटिंग में वो अपनी बात कह सकती है कि जिसको आंगनबाड़ी से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहाँ उपलब्ध है, उप स्वास्थ्य केंद्र का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तो हमने NM को वहाँ रखा है, गाँव के विकास को लेकर या अपने पेंशन को लेकर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही तो सरपंच वहाँ मौजूद है, नरेगा में उनका काम नहीं मिल रहा है, उनका रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो नरेगा मेट वहाँ मौजूद है। सरकारी विद्यालय में आप देखो बहुत सारी लड़कियां विद्यालय नहीं जाती, नाम लिखा देते हैं पर वो नहीं जा पाती, तो उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या होता है, क्या वहाँ पर उस पर कुछ दबाव डाला जाता है, या उस पर कोई टीका टिप्पणी की जाती है, या वहाँ का माहौल इसके लिए सही नहीं है, या वहाँ ऐसी कुछ मूलभूत सुविधाएँ जो बालिकाओं के लिए होनी चाहिए पर वहाँ नहीं मिल पा रही है, तो हम सरकारी विभाग से भी एक टीचर को वहाँ बुलाते हैं। तो इससे उनको, महिलाओं को एक मंच मिला है पहली बार कि वो अपनी सीधी बात उन विभागों से जुड़े हुए सदस्यों के सामने रख सकती है। तो ये बहुत बड़ा निकल के मतलब बहुत अच्छा सा राजीविका ने रखा है, तो मेरे नज़र में भी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे महिलाएं धीरे धीरे जागरूक हुई है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और उनमें एक सबसे बड़ा है हिम्मत बढ़ी है कि अब मैं बाहर निकली हूँ और मुझे अपनी समस्या किसके सामने रखनी है, कैसे रखनी है, वो एक तरीका उनमें आया है। तो इसी जेंडर फोरम गठन के माध्यम से धीरे धीरे CLF फोरम का गठन भी किया जाता है और एक आपनो हक सेंटर का भी निर्माण किया गया है। आपनो हक सेंटर, जिसमें ऐसा आप इसको छोटा बड़ा ऐसा मान लो कि एक महिला पुलिस थाना जैसा हम कहते हैं वही है, पर इसमें सारी जो महिलाएं होगी वो राजीविका से ही जुड़ी हुई होगी। तो उनके लिए अभी आज की जो महिला, एक समय गांव की ना लेकर हम शहर की महिलाएं भी पुलिस थाने तक जाने से डरती हैं, हिचकिचाती हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि एक अच्छे खानदान की महिलाएं, अच्छे परिवार की महिलाएं ऐसी जगह पर नहीं जाती, उसको एक गलत नज़र से देखा। तो कितनी सारी हिंसाएं होने के बावजूद महिलाएं सामाजिक डर के कारण, पारिवारिक डर के कारण
वहीं दबा देती है और बाहर किसी के सामने कह नहीं पाती। तो ये जो अपना हक सेंटर बना है और ये जो जेंडर फोरम गठन का निर्माण किया गया है, अब इसके जरिए महिला धीरे धीरे अपनी हिम्मत बढ़ा पा रही। उनको महसूस होने लगा है कि हमारी बात रखने के लिए भी हमारे पास कोई मंच है, कोई जगह है, और जो सामने हम जिसके सामने हमारी समस्या रख रहे हैं वो भी महिलाएं हैं जिनसे वो खुलकर बिल्कुल बिंदास से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं, और उनको ये भी विश्वास है कि मेरी बात यहाँ सुनी जाएगी और उसके ऊपर वो पूरा कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है और कभी मैं इसको सुनाऊंगी, पर ये इससे क्या है, महिलाएं इन पर होने वाली हिंसाओं के प्रति उनको धीरे धीरे डर जागरूक होती है, जागरूक होने का डर खत्म हो कि अपन बटे जाकर शिकायत करा तो आपने लिए कोई है जो आगे अपनी लड़ाई लड़ सके। जैसे कि आपने बताया कि जो आपनों मंच है या आपनों जो भी आपने बोले हो, बीमें सिर्फ राजीविका से जुड़ी हुई महिलावां ही भाग ले सके हैं। तो बाब आप बताओ कि आपने शुरुआत करी एक स्वयं सहायता समूह से, आज आप स्टेट रिसोर्स ट्रेनर हो गई हो, तो अगर कोई आम महिला आपसे जुड़नो चाहे या कोई स्वयं सहायता समूह बनाना चाहे, तो पहले तो स्वयं सहायता समूह बनाबा की प्रक्रिया, जैसे कि वो सीधी सीधी राजीविका से जुड़ जाए और उसे इतना सारे चीज़ों को अधिकार मिल जाए, तो उसके लिए तो सबसे पहले प्राथमिकता होना है कि उसको गांव की महिला होना जरूरी है, जिस गांव में, क्योंकि समूह जो है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए है, तो उसका गांव का महिला होना जरूरी है। फिर वही उसके आधार कार्ड है, उस गांव का पहचान पत्र है, ये सारे जो कागजी कार्रवाई होती है वो सभी लेकर 10 से लेकर 15 महिलाओं का एक समूह बनता है जिसकी वो सदस्य बनती है, और उस समूह का कुछ नाम रख दिया जाता है जिसका वो अपने इष्ट देव के नाम पर या किसी भी जो डिसाइड करती है आपस में सहज भाव से, आपस समझ के हिसाब से समझ के कोई भी नाम रख सकती है। फिर समूह में जो लेन देन शुरू होती है, T1 T2 ऐसा आता है लोन, जिसका वो पैसा उनके बीच में ही घूमता है, मतलब शुरुआत में उनको थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम किया जाता है जिससे वो लेन देन करके इस समूह की शुरुआत करें और उन पैसों का छोटा बड़ा रोजगार के रूप में उपयोग करके अपनी आर्थिक क्षमताएँ बढ़ाएं, क्योंकि उनको क्या करना है, बचत करनी है। अब बचत तो उनके पास पैसा आएगा तो वो बचत कर पाएंगे, तो पैसा आने के लिए उनके लिए उनके पास एक छोटा सा रोजगार होना, आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो ये समूह की ये सारी प्रक्रियाएँ होती जुड़ने के लिए, फिर उसमें धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो महिलाएं इच्छुक है कि मुझे भी कुछ अलग से हटके करना है या मुझे किसी चीज़ में किसी क्षेत्र में जानकारी हासिल करनी है, तो राजीविका में प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि इस समय में यहाँ पर यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है या ये सेवाएँ दी जा रही है। तो जो महिलाएँ रुचि लेती है जिस भाग में, वो वहाँ पर डायरेक्ट अपना नाम देती है आगे और CLF लेवल पर उनका नाम जाता है और उस प्रशिक्षण की डेट पर उनको वहाँ पर भेजा जाता है, तो वैसे ही वो हमसे सीधा जुड़ाव करती है। या फिर हम जो गांव लेवल पर SAG मीटिंग होती है, VO मीटिंग होती है, CLF मीटिंग होती है, तो हम कहते हैं कि हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे हम जेंडर ट्रेनर हैं, हम FNAW ट्रेनर हैं, इसमें हम ये चीज़ें बताते हैं, या फिर हम गांव की सुरक्षा सखी हैं। अभी जो हमने हिंसा का एक टॉपिक लिया था तो उसमें भी ऐसा है कि महिलाएं सीधा थाने से नहीं जुड़ पाती है, तो उसमें एक सुरक्षा सखी को बीच में रखा गया है, माध्यम बनाया गया है कि गांव की महिला और पुलिस स्टेशन मतलब जो थाना है उनके बीच हम जो सुरक्षा सखी है वो एक कड़ी का माध्यम का काम करती है कि वो बेझिझक बेसंकोच बिना डर के सुरक्षा सखी के साथ अपनी सारी घटनाएं बताती है या अपनी अपने हुए अत्याचारों को बताती है। फिर सुरक्षा सखी थाने से मिलकर वहाँ के सदस्यों से मिलकर उस पर क्या कार्रवाई होती है, कैसे की जानी चाहिए, उस महिला को कैसे न्याय दिलाना चाहिए, उसका काम करती है। तो सुरक्षा सखी की भी ट्रेनिंग होती है, डिजिटल सखी की ट्रेनिंग होती है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी ट्रेनिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है और सभी महिला इसे जुड़ सके। छोटा छोटा स्वयं सहायता समूह बनाकर भी अपनी आर्थिक स्थिति ने एक महिला मजबूत कर सके है। जी हाँ, की वर्षा जी ने शुरुआत की स्वयं सहायता समूह से और आज वो स्टेट लेवल की ट्रेनर बन चुकी हैं और इनकी पहचान में भी बदलाव आ चुकी है। आप अपनी चर्चा जारी रखांगा कि सामाजिक विकास और महिलावा, यानी सामाजिक विकास में महिलावा की के भूमिका है। बी से पहले आपा सुना हा, आपा देखा हा, समुंदर खा मांगणियार एवं साथी द्वारा दिखाया गयो एक गीत देखा हा कि ढोला जी बेगा आओ जी, तो देखा हा एक प्रस्तुति ढोला रे डो ढोला ढोला था सुढोरी भला भला ओ चरे बन रूघा हर सांझ पड़ो दिन हाथ में रे वो करे गरारी ढोला जी बादीला रासीला आलीला
ढोला जी बिगड़े आवो थारी रे मरवाने आनंद ले रहा है समुंदर खां मांगणियार एवं स्वाथी द्वारा प्रस्तुति को। वर्षा जी, जिया की आज की चौपाल सबने पतो ही है कि सामाजिक विकास और महिलावा की चर्चा आज आपा कर रहा है। एक महिलावा अपना घर परिवार ने संभाल के साथ साथ आसमान की ऊंचाई तक भी छू सके, यानी हर स्थान पर महिला आज विराजित है। अगर आप पंचायत की बात करा बैठे भी महिला है, अगर आप अपनी विधानसभा संसद की बात करा तो बैठे भी महिला है। यूं अगर आप कहा तो आपने जो देश की राष्ट्रपति जी हैं वो भी स्वयं एक महिला है। तो महिला अगर कुछ ठान ले तो सब कुछ कर सके है। इसलिए ही समाज में यानी समाज का विकास में महिला की भागीदारी ने आपा नहीं छोड़ सका, नहीं समझनो पड़ेगा आपने कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक महिलावा का कंधा पर भी है। लेकिन बी में अगर परिवार महिला को सहयोग दे तो महिला हर काम आसानी से कर सके है। जी हाँ, की वर्षा जी अभी आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह आपा किया बना सका और राजजीवी का महिलावा ने आगे लाभा के लिए किया काम करो है। एक प्रश्न मन में आवे है कि आपने शुरुआत की स्वयं सहायता समूह से और आज आप ट्रेनर हैं, तो पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में था कि पहचान में के परिवर्तन आयो है? बहुत बड़ा अंतर है दीदी। जैसे आप देखिए कि जो राजीविका में जुड़ने से पहले, मैं मेरी ही बात नहीं करूँगी, भी राजीविका से सैकड़ों हजारों या लाखों की संख्या में महिलाएं जुड़ चुकी है।
तो वो सभी इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ रही हैं कि राजीविका में जुड़ने से पहले हम सभी किसी की बेटी, बहू, बीवी, माँ, भुआ, भाभी, ये हमारी पहचान थी। यानी तो हमें लगता था कि ये हमारी पहचान ना होकर हम दूसरों की पहचान से बुलाए जाते हैं, तो हमारी जो पहचान थी वो गौण थी। लेकिन आज के क्षेत्र में, आज के समय में जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि आज हमें किसी की बहू, बीवी, बेटी, माँ ना कहकर हमें अपने नाम से, हमें अपने पद से बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है। जैसे कि राजीविका में आप देखिए CM, DM, BPM, DPM, कृषि सखी, पशु सखी, ये बैंक सखी है, ये मास्टर ट्रेनर है, ये रिसोर्स ट्रेनर है। तो एक अलग सा गर्व खुद के ऊपर हमें रहता है कि ये हमारी पहचान है, जो हमारे अंदर था लेकिन छुपा हुआ था और हमें एक तरह से नकारा जाता था कि आप वो नहीं हैं, ऐसा कहकर दबाया जाता था। तो ये जो पहचान थी एक उभर के महिलाओं के सामने आई है। और मेरी खुद की भी मैं कहूँगी कि जो पहले का मेरा था कि छोटी छोटी बातों से डर जाना, रो लेना, निराश होना, कुछ हो गया है तो नहीं, ये अपनी किस्मत है, अपना भाग्य, ऐसा कहकर रह जाना, कुछ परिवार समाज का डर है तो उसे, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो फील्ड नहीं था, हमारे सामने वो क्षेत्र नहीं था, या हमारे पास कोई ऐसा सहयोग देने वाला नहीं था। लेकिन ये जो राजीविका है, इसने हमें एक नया घर दिया है, नया जीवन दिया है। आज हम राजीविका को हमारा एक दूसरा घर कहते हैं, दूसरा मायका कहते हैं। तो महिला अगर कोई काम करना शुरू कर दे तो आत्मविश्वास स्वयं ही आ जाए। जी, तो जी हाँ, कि अगर आप आर्थिक स्थिति की बात करें, समाज में आर्थिक स्थिति के सुधार की बात करें, तो महिला ही में किया योगदान कर सके, क्योंकि स्वयं सहायता समूह बनाकर महिला अपनी खुद की छोटी छोटी बचत करें, खुद आर्थिक रूप से सक्षम हो जावे, या परिवार में कोई परेशानी आ जाए तो भी छोटी छोटी बचता को उपयोग कर सके, या ही समाज की आर्थिक स्थिति को सही बनावा में महिला की किया भागीदारी हो सके। ऐसा नहीं है कि परिवार में, गाँव में या समाज की आर्थिक जो स्थिति उसको सुधार में महिला का योगदान नहीं रहा, शुरू पहले से था, शुरू से रहा है। महिलाएं पशुपालन करके, खेती करके, घर के छोटे बड़े काम करके भी आर्थिक सहयोग देती थी, लेकिन उसके उस काम को हमेशा नकारा गया, गौण किया गया कि ये कुछ भी काम नहीं है, कुछ महत्व नहीं है, ये तो इसके हिस्से का काम है, और वही उसको बोला जाता था। लेकिन आज आपके देखिए कि जो शहर की महिलाएं तो विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही है, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, एक ओहदा बनाया है, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं वो राजीविका से जुड़कर, उन्होंने छोटी छोटी बचत कर या फिर छोटे छोटे रोजगार शुरू कर आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देना शुरू किया है। बहुत से जिलों में आप देखें अभी कि ये जो राजीविका की महिलाएं हैं, ये अभी उड़ान सैनिटरी पैड का पूरा मशीन डालकर एक पूरा सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो लाखों आंगनबाड़ियों में, सरकारी विद्यालयों में बनाकर वो वितरित कर रही है। बहुत से जिलों में शहद उत्पादन का काम शुरू हुआ है, बहुत सारी जगह, मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं, कसीदा कार्य है, या उनकी जो हुनर था उस हुनर को पहचान कर, उनको प्रशिक्षण देकर उनको उस रोजगार का अवसर दिया गया है। इस रोजगार के अवसर मिलने से महिला के हाथ में पैसे आने लगे हैं, यानी वो आर्थिक रूप से सक्षम हुई है। उनके हाथ में पैसे आने से, आर्थिक रूप से सक्षम होने से, अब उनको खुद का फैसला लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जैसे कि मैं खुद की ही बात बताऊँ कि मेरा भी मायका बहुत दूर है, तो मुझे भी जाने के लिए पहले मांगना पड़ता था कि नहीं, तो वो मिलता था तो हम जा पाते थे। लेकिन आज मैं अगर आर्थिक रूप से सक्षम हूँ तो मैं मांगती नहीं हूँ और मैं पूछती नहीं हूँ, मैं केवल बताती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? मेरा हाथ में जो आर्थिक रूप से पैसा आया, मेरे आर्थिक स्थिति जो सक्षम हुई है उससे आया है। तो महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसी बहुत से महिला हैं जो कि खुद को स्वयं सहायता समूह बनाना चाहे, लेकिन मन में एक झिझक है कि आपा काम काई करेगा, काई उद्योग धंधो आपा लगावा जिसे कि आपने अधिक मुनाफो हो। तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो स्वयं सहायता समूह अगर कोई महिला बनानी चाहे तो वो कौन कौन सा काम कर सके हैं? तो इसके लिए ऐसा है कि जब उनका समूह बन जाता है, वीओ बन जाता है, CLF बन जाता है, तो उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट जो आते हैं राजीविका में, तो उनको मीटिंग द्वारा बताया जाता है कि दीदी जैसे अभी कोई कृषि सखी की वैकेंसी आई है, पशु सखी का आया है, बैंक सखी का काम आया है, उद्यम सखी का काम आया है, DES है, अकाउंटेंट है, RBK है, बोले बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, किसी भी क्षेत्र को राजीविका ने अछूता नहीं रखा है, तो बहुत सारे फील्ड है। तो जो दीदी जिस क्षेत्र में अपने काबिलियत को आजमाना चाहती है या उनके अंदर वो है, तो वो अपना नाम लिखवा देती है कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है या मैं इसमें ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। जैसे कृषि सखी में क्या होता है कि उनको ऐसा नहीं, एक महिला कृषि पहले से नहीं करती थी या उनको जानकारी नहीं थी, पर कुछ एक्स्ट्रा अभी नई तकनीक जो आई है, तो उनको प्रशिक्षण देकर एक अलग से जानकारी दी जाती है जिससे वो गाँव की महिलाओं में बांटती है।
पशु सखी, यानी वो पशुपालन शुरू से करते आ रही। पर अभी ऐसा क्या किया जाए कि पशुओं का दूध बढ़े, पशु बीमार ना हो, उनमें रोगों की कमी हो, तो वो उनको पशु सखी की ट्रेनिंग देकर उनको वो अलग से बताया जाता है। बैंक सखी में उनको बैंक से जोड़ा जाता है, बैंक के काम से जोड़ा जाता है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी है पर उनको पूरा ट्रेनिंग देकर एक आधा समझो बैंक का काम सिखा दिया जाता है। छोटे छोटे उद्योग उसका भी अलग से, जैसे बहुत सा अभी उद्यम सखी का प्रोजेक्ट आया, पहले एमएससी प्रोजेक्ट था, कहीं पे एनआरईटीपी चल रहा है, तो इसमें गांव की महिलाओं को रोजगार के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी, कौन सा रोजगार चुनना है, उसका आपके क्या प्रक्रिया होगी, वही सभी बिजनेस प्लान क्या होता है, आपके ग्राहक को आपको कैसे समझना है। मतलब आपने पूरे तौर पे आ समझा दियो जावे कि आप शुरुआत किया करा, आपकी गुणवत्ता की में है, आपकी योग्यता की में है, तो आप भी में शुरुआत कर सको। और आर्थिक रूप से आपने थोड़ी सी रकम भी दी जावे कि कोई भी रोजगार अगर आप शुरू करा तो उनके लिए आपने पूंजी की आवश्यकता हो तो वो आपने मिल जावे है। और जब 10-12 महिला या 15 तक महिला मिलकर एक समूह बना ले हैं, सही तरीके से चले हैं, तो आप लोग व्यवसाय और भी आगे बढ़ा सके हैं। तो हर साल एक नई तरीका से बी की उन्नति बढ़ती जा रही है और आर्थिक विकास में महिलावा योगदान दे सके। वर्षा जी थे आया और इतनी चौखी जानकारी अपना सामाजिक विकास और महिलावा पर की, बी के लिए थाने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहा। और एक अगर महिला ठान ले शिक्षित है तो वो कुछ भी कर सके है, क्योंकि सिर्फ आपने एक पहल की आवश्यकता है, परिवार का सहयोग की आवश्यकता है, समाज का सहयोग की आवश्यकता है, तो महिला जो इच्छा चाहे वो कर सके है। इसलिए आपसे निवेदन है आगे आओ, शिक्षित हो, अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो और समाज ने मुख्य धारा से जोड़वा में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाओ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।